नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाले आलू, जिसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो छोटे साइज के आलू लिए हैं हमने। इनको हमने एक विसल में कुकर में उबाल लिया है। आपके पास बड़े हो तो आप उसे आधे करके भी बना सकते हैं। 200 ग्राम हमने दही लिया है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया बारीक काट लिया है। 2 चम्मच हमने ऑयल लिया है। 1/2 टीस्पून से कम लिया है हमने सरसों। 1/2 टीस्पून से कम लिया है हमने जीरा। 1/2 टीस्पून से हमने कम लिया कलौंजी। 1 तेज़पात लिया है। 2 सूखी लाल मिर्ची ली हैं। 3 हरी मिर्ची को हमने बारीक काट लिया है। 10 कलियां लहसुन की भी हमने बारीक काट लिया है। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे, उनमें ये सारे आलू डालकर और दही डाल देंगे और उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। दही को इसमें आलूओं में अच्छे से मिक्स कर दें। हाँ, ये मिक्स हो गए। इसको हम अब साइड में रख देंगे और इसका मसाला तैयार करेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, ऑन करकर उसमें 2 चम्मच ऑयल डालकर उसे हम गरम कर लेंगे। ये गरम हो गया। सबसे पहले गैस को स्लो करकर हम डाल देंगे 1 तेज़पात और 2 सूखी लाल मिर्ची। इसे थोड़ा सा चला लेंगे, गैस को कम ही रखा है हमने। अब डाल देंगे जीरा, ये सरसों के दाने, और ये डाल देंगे कलौंजी। इसे भी थोड़ा सा हम चला लेंगे इस ढंग से कम गैस पर। अब डाल देंगे हम इसमें लहसुन जो बारीक कटा हुआ है, उसे भी हम कम गैस कर ही 20 सेकंड तक ऐसे ही चलाते हुए भून लेंगे। ये हो गया, गैस कम है। अब इसमें हम डाल देंगे मीडियम गैस कर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसे भी मिक्स कर लें। 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, इसे भी मिक्स कर दें चलाते हुए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मसाले को 5 मिनट तक ठंडा कर लेंगे। ये 5 मिनट हो गए हैं, हमारा मसाला ठंडा हो गया है। अब इसमें हम आलू डालेंगे। हमने गरम में इसलिए नहीं डाला क्योंकि दही कभी कभी फट जाता है गरम में एकदम से डालने में, इसलिए हमने मसाला ठंडा करके इन आलुओं को डाल देंगे। और अभी मैंने गैस ऑन नहीं करी है, पहले इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। इस ढंग से ये मिक्स हो गए। अब मैं गैस ऑन करूँगी, लेकिन गैस को मैं स्लो ही रखूंगी, बिल्कुल कम गैस। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची जो बारीक कटी हुई है, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इसमें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। ये हो गई, अभी मैंने गैस को स्लो ही किया हुआ है। अब इसमें मैं डाल दूंगी, आप स्वाद अनुसार डालें। मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, इसे भी मिक्स कर देंगे। अब कम गैस कर ही हम इसे ढककर 5 मिनट पर पकाएंगे। बिल्कुल कम गैस पर 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। ये 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। हाँ, अब इसे थोड़ा सा हम चला देंगे, हमारी सब्जी तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया जो बारीक कटा हुआ है इस ढंग से, और इसे गैस को बंद कर सर्व करेंगे। देखिए, हमारे दही वाले आलू तैयार हैं। ये चपाती के साथ, परांठे के साथ बहुत टेस्टी लगेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।